नमस्कार, आज हमारे बीच सोनीपत से सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक जी है, जिनसे हम उनके क्षेत्र के बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में दो चार क्वेश्चन और बात करेंगे। थे उनमें हम लोग उनको 18-18 फुट के सबको डबल करें जो सिंगल रोड थे, और वो राई गन्नौर के ये काफ़ी पूरे भी हो लिए उनके। हाँ, ये मैंने पहले कर लिए जब मैं राई से विधायक था, और गन्नौर का जब मैं पहले विधायक था, तो ये उन सरकार में अपने पूरे कर लिए। अब सारे नौ के नौ में हम कर रहे हैं, मतलब एक विकास का रास्ता हमने आगे बढ़ाया। जींद के लिए हमने मेडिकल कॉलेज की वहाँ की है, मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, और अब जल्दी से जल्दी उसका भी हम काम शुरू कर रहे हैं, और हॉस्पिटल का दर्जा भी बढ़ाया है। और फिर इसके साथ साथ सारा सोनीपत का बाईपास हमने डलवा लिया, घुमाने का बाईपास, ये सब काम हम कर रहे हैं अभी। और तो ये एक विकास का रास्ता जो लोगों का, मैंने सबसे पहले जो एक मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी होती है, वो सेंटर के काम वहाँ सबसे पहले लेना होता था, वो सारे पूरे किए। इसके बाद रेलवे का, हमने आज सोनीपत का रेलवे स्टेशन पर देश के रेलवे स्टेशनों में श्रेष्ठ स्टेशनों में आज उसकी गिनती है, और 8 करोड़ रुपये और अभी मंजूर कराए, और 10-12 करोड़ रुपये पहले उसको लगा के एक शानदार रेलवे स्टेशन बनाया है। और इसके साथ साथ सोनीपत घुमाना जो जींद रेलवे लाइन थी वो पूरी करी, उसको चलाया, और 3 ट्रेन एक साल में, ये भी रिकॉर्ड है कि नई रेलवे लाइन बनी हो और उस पर 3 ट्रेनें हमने चलाई हों। हाँ, और उसके साथ साथ जो रोहतक जुलाना जींद हमारी रेलवे लाइन थी, उसको विद्युतीकरण का काम सारा पूरा करा, और उस पर 700 करोड़ रुपये लगभग खर्च हुए। इसके साथ साथ अब सोनीपत, ये रोहतक गोहाना और पानीपत वाला है, और वो रेलवे लाइन को एक्यूलेट करना, ऊपर से लाना, और उसको भी अपग्रेड किया है, और उसको विद्युतीकरण का भी काम करवाए रहे। तो इस तरह से रेलवे में जींद के रेलवे स्टेशन को भी एक बेस्ट रेलवे स्टेशन बनाना, और जींद में 5 पार्क जो रेलवे ज़मीन में गंदगी पड़ी थी उनमें हमने स्थापित करना, गोहाना में इतना बढ़िया पार्क का निर्माण, सोनीपत में भी, गन्नौर में भी, और जुलाना में भी, और सफेद दो। तो इस तरह से विकास का रास्ता हमने आगे बढ़ा है। और रेलवे का एक हमारा सपना था, जो रेलवे का हरियाणा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, वो भी हमारे फाइनल स्टेज पे है, और अप्रैल में उसका भी गन्नौर में बड़ी गांव है, HSIDC की मेन थी, वहाँ पर उसका शिलान्यास करवा देंगे। तो रेलवे का काम था, 2-3 ट्रेनों स्टॉपेज चाहिए थे हमने जींद में, सोनीपत में, वो सारे करने, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी, एक महिला ट्रेन के लिए स्पेशल जो सोनीपत से दिल्ली तक इम्प्लाई है। और एक और किया है मैंने, आज भी मैं मंत्री जी से मिलकर है, रैपिड ट्रेन जो हम पानीपत तक, दिल्ली से पानीपत, उसका काम भी जल्दी शुरू करवा देंगे। तो इस तरह से रेल का, रोड का हमने काफ़ी संख्या में काम किया। ROB थे सोनीपत में, 2 कंप्लीट हो गए, 2 अब कंप्लीट होने वाले हैं, और 2 नए और पास करवाए। इसी तरह गोहाना में 1 ROB हमने कंप्लीट कर दिया, 2 ROB और मंजूर कर दिया, गन्नौर में भी 1 ROB और हमने नया मंजूर करवाया, जींद में भी 2 ROB पर नया, 1 पूरा हो गया, 2 पर हम और उस पर काम तेज़ी से चल रहा है, अंडर पास हैं दूसरे हैं, तो सारे विकास के रास्ते पर हमने इसको पूरी तेज़ी से आगे बढ़ाया। वैसे सोनीपत तो दिल्ली से जुड़ा हुआ शहर है, और उसके साथ में एजुकेशन भी काफ़ी, और एजुकेशन में भी तो काफ़ी उसको हमने सोनीपत को एक एजुकेशन हब बना दिया है, उसमें अशोका यूनिवर्सिटी आई है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में SRM यूनिवर्सिटी है, जिंदल ला यूनिवर्सिटी है, ये अपने निफ्टी यूनिवर्सिटी है, और अभी आज हम जो दिल्ली वाली IIT है उसका रिसर्च सेंटर जो सबसे बड़ा बनाने जा रहे हैं, उसका भी आज हम 175 करोड़ रुपये बिल्डिंग का आज उद्घाटन माननीय मंत्री जी डॉक्टर सत्यपाल जी और मुख्यमंत्री और हम साथ थे, आज भी करके आए। और इसके साथ साथ मोरथल यूनिवर्सिटी है हमारे, खानपुर महिला यूनिवर्सिटी, हमने काफ़ी उनमें भी काफ़ी पैसा लगाया है, जींद की यूनिवर्सिटी है उसको भी काफ़ी अपग्रेड किया है हरियाणा में, और हमने इसके साथ साथ हर उसमें 20 किलोमीटर बाद हम हर एक महिला कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, हर हल्के में, ताकि आगे बढ़ सकें।
जिले के द्वारा ही इतना काम हो रहा है, तो प्रधानमंत्री की स्कीम है हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें सेकेंडरी स्कूल और बच्चों के स्कूल, उसमें जो बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत की थी उसमें हरियाणा 1005 हम 937 के आसपास आ गए, जो हम बहुत पीछे होते थे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी उस बात को हरियाणा को बधाई दी है, स्वच्छ हरियाणा में हर बात में हरियाणा हम लगातार आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर भी। और अब प्रधानमंत्री जी ने जो मेडिकल योजना शुरू की है 5 लाख रुपए की, इसका लोगों को बड़ा भारी उत्साह है, और जो उसका हमें फ़ायदा भी हो रहा है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फिर जो जिन घरों में गैस नहीं थी उनमें उज्ज्वल योजना से जो प्रधानमंत्री ने दिया है उसका भी बड़ा लोगों को ऐसा फायदा हुआ है। महिलाएं कहती हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जिसने हमारी भी गरीब आदमी की सुनी है, चाहे मुद्रा योजना है दूसरी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी स्कीमें हैं। वो आज हम बुढ़ापा पेंशन अगले साल से अब 1800 है 2000 हो जाएगी 2019 से, वो भी हमने की है, हर साल 200 रुपये हम बढ़ा दिए का वो बना दिया है। तो एक विकास का रास्ता, और खेती के लिए हमने भाई किसान को फसल बीमा है, इसके साथ साथ हम उसको जो ये स्वामीनाथन में दूसरी मांगें होती थी वो लगभग हमने सब मान रहे हैं, भाई मार्जिन मिलना चाहिए किसान को, वो हम वो रेट फिक्स करने जा रहे हैं। अब ये सब काम सरकार ने किए हैं, डबल इनकम हरियाणा के किसानों को भी मिलेगी, हाँ। बात भी हुई थी। और हाँ, डबल इनकम का यही तो साधन है, अगर हमने रेट बढ़ा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अब जैसे ये सब्जी के रेट थे उनका भी हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, इस तरह की सारी स्कीमें हम लागू कर रहे हैं। आदर्श ग्राम में कौन सा ग्राम है? मैंने दतौली गांव लिया है, वो पूरा हो गया है कम्प्लीट, दूसरे दो गांव और सटे उनमें काम शुरू करवा रहा हूँ। बिजली की समस्या बीच में बहुत थी, आज हरियाणा में बिजली की समस्या नहीं है, लगातार बिजली सिचुएशन बहुत सही है, इंडस्ट्री को 24 घंटे में बिजली दे रहे हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए इंडस्ट्रीज जो बाहर से आपको हमारे यहाँ सोनीपत में आ रहे हैं? हाँ, सोनीपत में हमारे काफ़ी आज इंडस्ट्री नई आई है, राई में भी, कुंडली में, मेरी पार्लियामेंट में ही ये सारे, और बड़ी में भी, तो काफ़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आ रही हैं, उसका भी। तो रोजगार के क्षेत्र में कितने युवाओं को इन दिनों आपके नॉलेज में काफ़ी रोजगार मिला है? मतलब जो हमारे यहाँ रोजगार करना चाहता है उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी है, तो इंडस्ट्री काफ़ी है लेकिन रोजगार का रेशो कम नहीं दिखा रहा आपका हरियाणा, सोनीपत की भी दिक्कत क्या हो रही है? अभी हमने स्किल इंडिया ये शुरू किए हैं ना टेक्निकल, इनसे रोजगार बढ़ेगा, इन लोगों में आएंगे और अपने लोगों के प्रति ये जागृति ला रहे हैं कि आपने आगे बढ़ना है तो अपने रोजगार के साधन भी हम पैदा कर रहे हैं, वो करना चाहिए, चाहे मुद्रा योजना के रूप में लेने हैं और हैं दूसरी बहुत सारी चीज़। मुद्रा योजना में कितना काफ़ी लोगों को इसका फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ आंकड़े हो? काफ़ी मैं आंकड़े दे दूँ, काफ़ी लोगों को इसको हो रहा है और लगातार हो रहा है। और जैसे स्वच्छ भारत हमने भारत हरियाणा को इसे 31 मार्च तक कंप्लीट कर दिया अपना अपनी पार्लियामेंट को। 2019 फिर से इलेक्शन आ गया, उसमें आप क्या देखते हैं? हम ये देखते 2019 में प्रधानमंत्री जी नेतृत्व हम दोबारा सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं काम कौन कर रहा है। कांग्रेस के समय सिवाय भ्रष्टाचार के दूसरी चीज़ें नहीं, रोज एक नया स्कैंडल आ जाता था, आज 4 साल की हमारी सरकार होगी कोई इस तरह का कोई एक भी बात अभी तक सामने नहीं आई। कल जो एक घटना हुई है SC ST सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लेके हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर दी है कि ये जो सरकार है ये दिल्ली तो ये सबसे हितेशी सरकार है। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।